बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मकबरा है जी सुल्तान जाम निज़ामुद्दीन सम्मू बिन सुल्तान जाम सदरुद्दीन सम्मू। ये भी सम्मा डायनेस्टी के बादशाह गुज़रे हैं मकली की हिस्ट्री में। ये मकबरा का मेन दरवाज़ा है और ये सारा मकबरा जो है पत्थर से बना हुआ है, जिसके ऊपर आयात लिखी हुई है मुख्तलिफ। इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत कंदाकारी की गई है जो कि अपनी मिसाल आप है। पूरे मकली कब्रिस्तान में सबसे बेहतरीन कंदाकारी इसी मकबरे के ऊपर की गई है। ये मकबरा भी काफ़ी ऊंचे पहाड़ी टीले के ऊपर बनाया गया है, जैसा कि देखा जा सकता है कि काफ़ी नशेबी इलाका है साथ। और किसी ज़माने में दरिया सिंध यहाँ से गुज़रा करता था, तो उसके बिल्कुल किनारे पे ये मकबरा तामीर किया गया है। मकली कब्रिस्तान के सारे मकबरों में एक चीज़ कॉमन है कि तकरीबन सारे मकबरों में मेहराब नुमा या कि मेहराब बनाए जाते हैं, जाते थे उस ज़माने में, जैसे कि मस्जिद में बनाए जाते हैं। अब इसकी समझ उनको होगी जिन्होंने ये बनवाए कि ये शायद पहले मस्जिद होंगी और उनके अंदर ही मकबरे बना दिए गए या मकबरे के साथ मेहराब बनाए गए। Thank you.
مقبرے کے بالکل قریب ایک چبوترا تعمیر کیا گیا ہے جس کے بارے میں کوئی تاریخ درج نہیں ہے. یہ بھی سارا پتھر کا بنا ہوا ہے. اس کی چھت ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت پتھروں سے تراشی گئی ہے. Thank you.